महाराज जी एक विभूति है, चूंकि महाराज जी का जन्म स्थान छिबरी है। प्राकट्य यानी संकल्प, सिद्धि, सेवा, सृजन का प्रकटीकरण जैसे होता है अंकुरित एक बीज का, पल्लवित होता है एक पुष्प, वैसे ही छिपरी यानी मातृधाम की पावन धरा पर संपन्न हुए सात दिवसीय श्री सदगुरु प्राकट्योत्सव में वो हर रंग बिखरा जिसके सौंदर्य ने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, सामाजिक समरसता और एकता के सुंदर स्वरूप को अभिव्यक्त किया। अच्छा लगत के भगवान में लगाए वो का तो जानी लगत के मान सब मिले जा लगत के भगवान में लगाए। मशारदा पहाड़ी पर पिछले एक दशक में महाराज श्री द्वारा रोपे गए 2.5 लाख पौधे वृक्षों का रूप ले चुके हैं। इस वन के बीचों बीच शिखर पर विराजमान भगवान सदाशिव की प्रतिमा इच्छा शक्ति के महत्व को दर्शा रही है। महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, निषाद राज भवन सामाजिक समरसता के अंतर संबंध को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। बारिश की बूंदों के बीच नाचते हुए मोर प्रकृति के सौंदर्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यह दिव्य स्थान ध्यान, शांति और आत्म अवलोकन की नई व्याख्या का सूत्रपात कर रहा है। श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा के साथ 29 जून को इस उत्सव का शुभ आरंभ हुआ। हजारों माताओं बहनों के साथ स्वयं परम पूज्य महाराज श्री ने अपने सिर पर कलश रखकर इस उत्सव की उद्घोषणा की। सात दिन तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, भगवान के विभिन्न दृष्टांत कथाओं के माध्यम से लोगों को जीवन दर्शन के मर्म की शिक्षा मिली। वहीं संध्याकालीन बेला में प्रतिदिन लोक गायकों से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर इस दिव्य आयोजन को और भी भव्य बना दिया। सांस्कृतिक संध्या के पहले दिन बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार जित्तू खरे बादल ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अगली शाम शहनाज अख्तर के नाम रही, जिसमें सुंदर झांकियों के साथ भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। तीसरे दिन मुंबई से आई तृप्ति शाक ने अपने भक्ति गीतों से दर्शकों के मन को मोह लिया। आखिरी के चार दिन राजस्थान के फनकारों ने श्री सदगुरु प्राकट्योत्सव के सांस्कृतिक मंच पर अपना जलवा बिखेरा। कार्यक्रम के चौथे दिन 2 जुलाई की शाम इंडियन आइडल फेम सवई भट्ट ने सुरों की वो महफिल सजाई कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए और उनका साथ दिया सुरीली आवाज की धुनी सना ने। अगली शाम रंग बरसा आशा वैष्णव जी के सुर, ताल, भाव और अभिव्यक्ति से सजी महफिल के रूप में, जिसमें महाराज श्री स्वयं भाव विभोर होकर झूम उठे। अगली शाम छोटू सिंह रावणा के नाम रहे, उनकी आवाज ने बुंदेलखंड की धरा पर राजस्थान की शौर्य गाथाओं को मानो जीवंत कर दिया था। आखिरी शाम 5 जुलाई को महाराज श्री के जन्म दिवस के अवसर पर श्री प्रकाश माली जी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हनुमान चालीसा से लेकर अनेक भक्ति और शौर्य गीतों की प्रस्तुतियां देकर उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महाराज श्री के जन्मदिन यानी 5 जुलाई को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान सदाशिव की प्रतिमा का लोकार्पण किया और प्रतिवर्ष की भांति महाराज श्री ने
पुनः एक अमूल्य धरोहर समाज को समर्पित कर दी। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिपरी का नाम बदलकर मातृधाम किए जाने से लेकर इस दिव्य स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए उद्योग धंधे के साथ तमाम घोषणाएं उन्होंने इस विशेष अवसर पर की। माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिपरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ये जो धाम बनाया है हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेन जी ने कहा है कि इस सीपरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं, ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है, मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार की शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। महाराष्ट्री के जन्मदिन के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने महाराष्ट्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उनका आशीर्वाद लिया। श्रीमद् भागवत कथा मंच के माध्यम से लोगों से मिलने का सिलसिला पूरे दिन लगातार जारी रहा। प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुए भंडारे में खीर मालपुआ का प्रसाद लोगों ने ग्रहण किया। भंडारा देर रात तक अनवरत जारी रहा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। संध्याकालीन वेला में सांस्कृतिक मंच के माध्यम से शिष्य एवं भक्तों ने सद्गुरु के प्राकट्य दिवस का उत्सव मनाया। प्राकृतिक सौंदर्य और हरितिमा के बीच मां शारदा पहाड़ी पर बरसते हुए मेघों के बीच भगवान सदाशिव की प्रतिमा कैलाश पर्वत जैसा अवतरण स्थापित करते हुए सुंदरता और आध्यात्मिक स्वरूप के नए आयाम गढ़ रही है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव छिपरी अब मातृधाम हो चुका है, जो आगे आने वाले समय शिव शक्ति के ज्योतिर्पुंज के रूप में पूरे बुंदेलखंड अंचल को प्रकाशित करता रहेगा।